गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन आवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमेलियाज राइट नाउ इन दैट कैटेगरी वी आर वी हैव कम ऑन द थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस दैट इज़ द प्लेथी हेलमेंथस सो प्लेथी हेलमेंथस में हम समझते हैं कि इस कैटेगरी में कौन से एनिमल्स को रखा गया था द बॉडी ऑफ द एनिमल्स इन दिस ग्रुप इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्सली डिज़ाइन दैन इन द टू अदर ग्रुप्स इस ग्रुप में जो एनिमल्स रखे गए थे उनकी बॉडी डिज़ाइन जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी एज कंपेयर टू द अदर टू ग्रुप्स वी हैव कंसिडर्ड सो फार अभी तक हमने जितने दो ग्रुप्स पढ़े हैं उनसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन थी इनकी द बॉडी इज़ बायोलेट्रली सिमेट्रिकल इनकी बॉडी डिज़ाइंस जो थी वो सिमेट्रिकल थी मीनिंग दैट द लेफ्ट एंड द राइट हाफ ऑफ द बॉडी हैव द सेम डिज़ाइन आपको पता है सिमेट्री का मतलब जब लेफ्ट पार्ट और राइट right पार्ट दोनों सेम डिज़ाइन का हो तो उसको बोला जाता है सिमेट्रिक देर आर थ्री लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम विच डिफ्रेंशिएटेड टिश्यूज कैन बी मेड इनमें तीन लेयर्स थी और इन तीन लेयर्स के थ्रू जो अलग अलग टिश्यूज़ हैं वो बनाए जा सकते हैं विच इज़ वाई सच एनिमल्स आर कॉल्ड ट्राइब ट्रिप्लो प्लास्टिक और इसी लिए इन एनिमल्स को बोला जाता है ट्रिप्लो प्लास्टिक दिस अलाउज आउटसाइड एंड इनसाइड बॉडी लाइनिंग एज वेल एज ऑर्गन्स टू बी मेड इस uh, इसके कारण जो आउटसाइड और इनसाइड की बॉडी लाइनिंग होती है वो भी पॉसिबल हो पाती है देर इज़ दस समिग्री ऑफ टिशू फॉर्मेशन और इसी लिए इसमें जो तो टिशू फॉर्मेसन है वो होता है हाव एवर देर इज़ नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और कॉलम इन विच वेल डेवलप्ड ऑर्गन कैन भी अकोमोडेट हालांकि ऐसी कोई बॉडी कैटी या कॉलम प्रजेंट नहीं है जहाँ पर एक वेल डेवलप्ड ऑर्गन जो है वो अकोमोडेट किया जा सके द बॉडी इज फ्लैटनड डॉसोबेंटरीली मीनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो बॉडी है वो फ्लैट होती है डोसोबेलेंट्रिली का मतलब है जो टॉपम टॉप से बॉटम की तरफ जो बॉडी है वो फ्लैट होती है विच इज़ वाई दीज एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैट फॉर्म्स और इसीलिए इनको फ्लैट फॉर्म्स भी बोला जाता है दे आर आइर फ्री लिविंग और पैरासीटिक ये या तो फ्री लिविंग होते हैं या पैरासिटिक होते हैं सम एग्ज़ाम्पल्स आर फ्री लिविंग एनिमल्स कुछ एग्ज़ाम्पल्स अगर हम इसके देखें तो द एनिमल्स लाइक प्लेनेरियंस और पैरासिटिक एनिमल्स जैसे कि लिवर फ्लूक्स ये इसके एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं राइट हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ ऑल दिस काइंड ऑफ एनिमल्स दैट आर बींग शोन यर नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिसकस इज़ नेमा टोडा समझते हैं कि इस कैटेगरी के जो एनिमल्स हैं उनमें क्या स्पेशलाइजेशन्स थे द नेमाटोड बॉडी इज़ ऑल्सो बायोलेट्रली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक इनकी भी जो बॉडी है वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है और बायोलेट्रली सिमेट्रिकल है हाउ एवर द बॉडी इज़ सिलेंड्रिकल रैदर देन फ्लैटर्ड लेकिन इसमें क्या है जो बॉडी है वो फ्लैट नहीं होते हुए कैसी है सिलेंड्रिकल है देर आर टिशूज़ बट नो रियल ऑर्गन्स इनमें टिशूज़ तो हैं लेकिन एक्चुअल में कोई ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं हैं ऑल दो अ सॉर्ट ऑफ बॉडी कैिटी और अ सूडोकॉलम इज़ प्रजेंट हालाँकि बॉडी कैविटी और सूडोकॉलम जो है वो प्रजेंट है दीज आर वेरी फेमिलियर एसपैरासिटिक वाम्स कॉजिंग डिजीजेज सच एज़ वाम्स कॉजिंग एलिफेंटियास ये पैरासा हम इनको पैरासिटिक वाम्स की तरह जानते हैं ऐसे वाम्स जिनके कारण बहुत सी बीमारियां होती है एलिफेंटियासिस एक बहुत बीमारी है इट इज़ अ वेरी फैटल डिजीज़ जो कि किसके कारण होती है फिलारियल वाम्स के कारण और द वम्स इन द इंटेस्टाइंस राउंड वाम्स और पिन वाम्स जो हमारी इंटेस्टाइन में जो वाम्स हो जाते हैं इंटेस्टाइन में जो कीड़े हो जाते हैं Uh, जो राउंड वाम्स और पिन वॉम्स होते हैं ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेमाटोडा सम एग्ज़ाम्पल्स आर शोन इन द फिगर इसके कुछ एग्ज़ाम्पल्स यहाँ हमको दिखाए गए हैं दैट इज़ एस्केरिस एंड वुशेरिया दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द नेमाटोडा राइट नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द एनेलिडा एनालिडा इज द फिफ्थ कैटेगरी ऑफ द एनीमेलिया क्लासिफिकेशन एनालिड्स एनिमल्स आर ऑल्सो बायोलेट्रली सीमेट्रिकल एंड ट्रिप्लो प्लास्टिक एनेलिड्स जो होते हैं वो भी बायोलेट्रली सीमेट्रिकल होते हैं और ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं बट इन एडिशन दे हैव अ ट्रू बॉडी कैिटी लेकिन इनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने के साथ साथ इनमें एक बॉडी कैिटी भी होती है दिस अलाउड ट्रू ऑर्गन्स टू बी पैकेज इन द बॉडी स्ट्रक्चर और इसके कारण जो ऑर्गन्स हैं वो एक वेल well मैनर में पैकेजिंग की जा सकती है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर देर इज़ दज एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफ्रेंसीशन और इसीलिए बहुत सारे ऑर्गन्स का डिफ्रेंसीशन इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है दिस डिफ्रेंसीएशन आकर इन द सेगमेंटल फैशन और ये जो डिफ्रेंसीशन है वो एक सेगमेंटल फैशन में होता है मतलब एक सेगमेंट्स के फॉर्म में होता है विद द सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल और हेड से लेकर टेल तक ये जो सेगमेंट्स हैं वो लाइंड अप होते हैं दीज एनिमल्स आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट ये जो एनिमल्स हैं वो बहुत सारे जगह पाए जा सकते हैं फ्रेश वाटर में मरीन वाटर में ऑल्सो लैंड पर भी अर्थवॉर्म्स एंड लीचिस आर द फेमिलियर एग्जाम्पल्स इसके अगर हम कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो जो अर्थवाम और लीचिस हैं वो इनके बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी एनेिडा ऑल दिज आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ द एनालीडा द ने नैक्स्ट वन इज़ आर्थोपोडा आर्थोपोडा इज द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द एनीमिलिया क्लासीफिकेशन दिस इज़ प्रोबेबली द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स ये एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ़ एनिमल्स होता है बहुत बड़ा ग्रुप होता है एनिमल्स का दीज एनिमल्स आर बायोलेट्रली सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड ये जो एनिमल्स हैं वो बायोलेट्रली सिमेट्रिकल होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं देर इज़ एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो द ब्लड डो नाट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो ब्लड है वो एक वेल डिफाइंड ब्लड वेसल में फ्लो होता है नहीं होता है द कोलोमिक कैविटी इज ब्लड फिल्ड जो कॉलोमिक कैविटी होती है उसमें ब्लड भरा होता है दे हैव जॉइंट लेग्स इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं द वर्ड आर्थोपोड मीन्स जॉइंटेड लेग्स आर्थोपोड का मतलब ही होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिन जिसके लेग्स जो हैं वो जॉइंटेड हों सम फैमिलियर एग्जांपल्स आर प्रॉन्स बटरफ्लाइज हाउस फ्लाइज स्पाइडर स्कॉर्पियंस एंड क्रैब्स अगर मैं इसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करूं तो इसके कॉमन एग्जांपल्स हो जाएंगे प्रॉन बटरफ्लाई हाउस फ्लाई स्पाइडर स्कॉर्पियन और क्रैब्स हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप इनसे फैमिलियर भी हैं हमने इनको देखा भी है हम जानते हैं नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ द मॉलिस्का मॉलिस्का इज द अनदर कैटेगरी ऑफ द एनिमेलिया इन द एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप दर इज़ अ बायोलेट्रल सिमेट्री इस ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं उनमें हमको बायोलेट्रल सिमेट्री देखने को मिलती है द कोलोम द कोलोमिक कैिटी इज़ रिड्यूस्ड जो कॉलोमिक कैिटी है वो कम हो जाती है दर इज़ लिटिल सेगमेंटेशन यहाँ पर हमको थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन देखने को मिलता है दे हैव एन ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम इनमें जो सर्कुलेट्री सिस्टम है वो एक ओपन सर्कुलेट्री सिस्टम होता है एंड द किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन और जैसे हम में किडनीज़ होती हैं एक्सक्रीशन के लिए वैसे ही इन ऑर्गेनिजम्स में भी किडनी होती है सो दैट द एक्सक्रीशन कैन बी कैरीड आउट फ्रॉम देअर बॉडीज़ देर इज़ अ फूड दैट इज़ यूज फॉर मूविंग अराउंड इनमें पैर होते हैं और इन पैरों की हेल्प से ये चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो स्नेल्स और म्यूसल्स जो हैं वो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे राइट सो यू कैन सी ही ऑक्टोपस ऑल्सो ऑक्टोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूज का सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स uh, examples of का The next one is echinodermata. Echinodermata is the next category in Greek. इकानोज means hedgehog, हॉग स्पाइ स्पिनी मैमल्स ग्रीक लैंग्वेज की बात करें तो ग्रीक लैंग्वेज में एक्नोज uh, का मतलब होता है हेज हॉग हेज होग मतलब स्पाइनी जो मैमल होता है वो एंड डर्मा मीन्स स्कीन डरमा डरमा शब्द का मतलब होता है स्किन दीज आर स्पिनी स्किल्ड ऑर्गेनिजम्स इनकी जो स्किन होती है वो स्पाइनी होती है मतलब काटेदार होती है दीज आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स ये फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स हो रहे हैं होते हैं मरीन मतलब कि जो ओशन ओशन वाटर में रहते हैं उनको मरीन बोला जाता है दे आर ट्रिपलो ये भी ट्रिपलो होते हैं एंड हैव अ कोलोमिक कैविटी और इनमें भी कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है दे ऑल्सो हैव अ पैक्यूलियर वाटर ड्राइवन ट्यूब सिस्टम इनमें भी एक पैक्यूलियर वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम होता है दैट दे यूज़ फॉर मूविंग अराउंड जिससे जिसकी हेल्प से ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चल सकते हैं they have hard calcium carbonate structures that they use as a skeleton और इनमें एक hard calcium carbonate का structure होता है जिसको कि ये skeleton की तरह use करते हैं अगर इसके examples की हम बात करें तो इसके examples हो जाएंगे sea stars and sea organs right so these are the uh, examples that you can see in the picture of the echinodermata the next one is प्रोटो प्रोटोकॉल डेटा दीज एनिमल्स आर बाइलेट्रली सीमेट्रिकल ट्रिप्लो प्लास्टिक एंड हैव अलम ये जो एनिमल्स हैं वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और इनमें कॉलम भी प्रेजेंट होता है इन एडिशन दे शो अ न्यू फीचर ऑफ बॉडी डिज़ाइन ऑल्सो इसमें जो बॉडी का डिज़ाइन है वो एक नए फीच नए फीचर्स वाली बॉडी डिज़ाइनिंग होती है नेम लिया नोटोकॉड इनमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है जिसको नोटोकॉड बोला जाता है एटलीस्ट एट सम स्टेजेस ड्यूरिंग देयर लाइफ उनकी लाइफ के कुछ स्टेजेस तक ये चीज़ हमको देखने को मिलती है द नोटोकॉड इज़ अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो नोटोकॉड है वो एक लंबी सी रॉड जैसा एक सपोर्ट स्ट्रक्चर देता है रहता है जो उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है दैट रन्स अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल्स सेपरेटिंग द नर्वस टिशूज़ फ्रॉम द गट जो कि उनकी बैक पर रहता है एनिम जो कि नर्वस टिशू को गट से सेपरेट करने का काम करता है इट प्रोवाइड्स अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच फॉर ईज ऑफ मूमेंट ये मसल्स के लिए एक प्लेस प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अटैच होकर जो मूवमेंट है उसमें हेल्पफुल हो सके प्रोटोकॉर्डेट्स में नॉट हैव अ प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट ऑल स्टेजेस इन देयर लाइफ्स जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं उनमें ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो थ्रू आउट देयर लाइफ उनकी पूरी लाइफ में और फॉर एंटायर लेंथ ऑफ द एनिमल या आ, पूरी बॉडी में ये प्रोटोकॉल जो है वो हो ऐसा ज़रूरी नहीं है प्रोटोकॉडाट्स आर द मरीन एनिमल्स प्रोटोकॉर्डाट्स जो हैं वो मरीन एनिमल्स होते हैं अगर इनके एग्ज़ाम्पल की हम बात करें सो बेलिनोग्लोस हार्डमेनिया एंड एम्फियो एम्फियोक्सस ये ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रोटोकॉर्ड डैटा राइट प्रोटोकॉ डाटा इट लुक्स लाइक दिस एज यू कैन सी हीयर सो इस तरीके से दीज आर द नाइन् दिस वॉज द नाइन्थ कैटेगरी द टेंथ कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द वर्टिब्रेटा दीज एनिमल्स हैव ट्रू वर्टिब्रल कॉलम ये जो एनिमल्स हैं इनमें एक ट्रू वर्टिबल कॉलम होता है एंड इंटरनल स्केलेटन ऑल्सो मेक इंटरनल स्केलेटन भी होता है अलाउिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल अटैचमेंट पॉइंट्स टू बी यूज फॉर मूमेंट और इनमें जो मसल अटैचमेंट है उसके लिए अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिससे कि इनमें मूवमेंट जो है वो ईजीली हो सके वर्टिब्रेड्स आर बायोलेट्रली सीमेट्रिकल जो वर्टिब्रेड्स हैं वो बायोलेट्रली सीमेट्रिकल होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं कॉलोनोमिक uh, होते हैं और सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी विद द कॉम्प्लेक्स डिफ्रेंसीएशन ऑफ बॉडी टिश्यूज जो बॉडी टिशूज हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं एंड ऑर्गन्स ऑल कॉर्डेट्स पज इज द फॉलोइंग फीचर जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं जिनमें से कुछ कॉमन फीचर्स जो हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी में नोटो प्रेजेंट होती है जो कि उनको सपोर्ट देने का काम करती है उन सभी में डोरसल नर्व कॉर्ड होती है वो सभी ट्रिपलो होते हैं दे ऑल हैव पेयर्ड गिल पाउचेस उनमें गिल्स होते हैं फॉर द रेस्पिरेशन एंड दे आर कॉलोमेट और वो सभी कैसे होते हैं कॉलोमेट वर्टिब्रेड्स आर ग्रुप्ड इन टू सिक्स क्लासेस वर्टिब्रेड्स को हम अगेन छ क्लासोस में डिवाइड कर सकते हैं साइटोसाइक्लोमाइटा साइटोसाइक्लोमाइटा uh, क्या है वो समझते हैं यहाँ पे साइक्लोस्टोम साइक्लोस्टोम्स आर जॉलेस वर्टिब्रेड्स ऐसे वर्टिब्रेड्स जिनमें जॉज नहीं होते हैं जबड़े नहीं होते हैं उनको बोला जाता है साइटोस्टोम्स दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एन एलोंगेटेड ईल लाइक बॉडी इनकी जो बॉडी होती है वो एक लंबी सी ईल लाइक बॉडी होती है सर्कुलर माउथ इनका जो माउथ है वो सर्कुलर होता है स्लिमी स्किन एंड आर स्केनलेस इनकी जो बॉडी है वो uh... स्लिमी स्किन होती है इनकी और इनकी जो बॉडी है वो स्केललेस होती है मतलब उस पर स्केल्स नहीं होते हैं जैसे अगर हम एक स्नैक की बात करें तो स्नेक की बॉडी पर हमको स्नेल्स देखने को मिलते हैं बट इनकी बॉडी जो है वो एकदम स्किन होती है और उस पर हमको स्केल्स नहीं देखने को मिलते हैं दे आर एक्टोपैरासाइट्स और बोरर्स ऑफ अदर वर्टिब्रेट्स ये एक्टोपैरासिट्स पैरासाइट्स होते हैं और बोरर्स होते हैं दूसरे वाटीब्रेड्स के पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे, एंड माइक्सिन, हैकफिश आर द एग्जांपल्स। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस साइटो साइक्लोस्टोमाटाज राइट नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज पाइसिस 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 uh, में बेसिकली जितने भी फिश हैं या जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब पाइसिस में आ जाते हैं जनरली फिशेस ही आती हैं नेक्स्ट वन वुड बी द रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स में सॉरी नेक्स्ट वन वुड बी द एम्फ़ीबिया ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड uh, और वाटर दोनों में रह सकते हैं उनको एम्फीबियंस बोलते हैं उसके बाद नेक्स्ट है रेप्टाइाइल्स रेप्टाइाइल्स में वो एनिमल्स आ जाएंगे जो कि रेंग सकते हैं राइट right? जैसे कि स्नैक हो गया लिजार्ट हो गया नेक्स्ट एव्स एव्स वो एनिमल जो कि हवा में उड़ते हैं और लास्ट मैमल्स जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं सो अबाउट ऑल दीज फाइव कैटेगरीज ऑफ द वर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो सो दैट्स ऑल फॉर टूडेज क्लास स्टूडेंट्स द फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू